यहाँ पर हम सीखेंगे आज डिटेल में कट क्रीज आई मेकअप, और उससे पहले हम करते हैं फेस मेकअप। सो मैंने यहाँ पर सिरम लगाकर फेस को प्रिपेयर किया है मेकअप के लिए, और उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कलर करेक्शन करना। कलर करेक्शन करने के बाद मैं करूँगी फाउंडेशन। तो यहाँ पर जब मैंने फाउंडेशन किया कलर करेक्शन के ऊपर, क्योंकि मेरा कलर करेक्शन जो था वो थोड़ा सा डार्क था, तो उसको ब्लेंड करने के बाद मुझे लगा कि फेस का कलर टोन बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं हुआ है, एंड बीइंग अ ब्राइट मुझे थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने फिर से एक लेयर लाइटर फाउंडेशन की है, एंड जब मैंने उसको ब्लेंड करा तो मुझे लगा या अब थोड़ा ठीक लगा मुझको। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ लिक्विड ब्लश, जिससे कि बहुत ही अच्छा एक रोजी सा लुक आ जाता है पूरे फेस में। एंड इसको भी ब्लेंड करने के बाद मैं अब फेस को सेट करूंगी ट्रांसलूसेंट पाउडर से। एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करने के बाद वी विल स्टार्ट विद कट क्रीज आई मेकअप, एंड बाय वार्मिंग अप द क्रीज आई विल स्टार्ट, एंड धीरे धीरे करके मैं क्रीज को डीप करूंगी अपने फेवरेट कलर से, या फिर जो भी कलर्स आपकी ड्रेस में हो आप उनको भी इंस्पिरेशन लेकर आई मेकअप कर सकते हैं। एंड देयर आई एम कटिंग द क्रीज, मतलब मैं क्रीज को कट कर रही हूँ एक कंसीलर और कंसीलर ब्रश की मदद से। एंड यहाँ पर मैं हाफ क्रीज को कट कर रही हूँ, और हाफ क्रीज को कट करने के बाद मैं कॉर्नर से उसको ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी शार्प एजेस ना रहे। एंड जो मैंने ये कंसीलर लगाया है इसको मैं एक ब्राइट वाइट आई शेडो से सेट करूंगी, ये शिमरी भी हो सकता है या फिर मैट भी हो सकता है। इसके बाद मैं अगेन कॉर्नर्स को थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी, और मैं अप्लाई करूंगी ग्लिटर्स। एंड ग्लिटर्स अप्लाई करने के बाद आई डू द आई लाइनर, एंड आई लाइनर को आप स्मज्ड भी कर सकते हैं, या फिर आपका मन करे तो आप एक विंग डाइनर आई लाइनर लुक भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे मस्कारा, मस्कारा के बाद हम लगाएंगे लैशेज, विल डू आईब्रोज, एंड द सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड फॉर द लोअर लैश लाइन। एंड थोड़ा सा मेरा फेस मेकअप बचा था विच इज कॉन्टूरिंग एंड पाउडर ब्लश, एंड देयर आई एम गिविंग फिनिशिंग टचेस ऑन द लोअर लिड, इसको भी मैं वार्म कर रही हूँ, और उसको मैं फिनिश करूंगी मस्कारा का कोट करके अपर और लोअर लैशेज दोनों में, एंड गिविंग अ फाइनल टचअप ऑफ ब्लशर, एंड आफ्टर ब्लशर आई विल डू द हाइलाइटर ऑल्सो। और आप देखेंगे फाइनल लुक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग आया है। जब हमने पूरी आउटफिट ज्वेलरी पहनाया मॉडल को, इट लुक्ड वेरी वेरी प्रिटी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है आई मेकअप। एंड आई होप आपको ये ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू ऑल।